गुड मॉर्निंग एवरी वन गाइस इज ऑडियो ऑडियो क्लियर इज ऑडियो वीडियो क्लियर गाइस आई मै ऑडियोबुल टू यू ऑडियो वीडियो मैचिंग गाइस कहा गया भैया पेन यस सर एक सेकेंड हा हा चलो आ रहे धीरे धीरे बच्चे बताना पहले ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या हम्म इज ऑडियो वीडियो क्लियर अड़क गया ऑडियो वीडियो क्लियर इज ऑडियो वीडियो क्लियर सही है अड़क गया ठीक है ठीक है ठीक है चलो अरे यार आज थोड़ा सा मेरे हिसाब से इंटरनेट तो वह स्लो हो गया है शायद इसके कारण थोड़ा सा बफर हो रहा है थोड़ा सा बफर हो रहा है शुरुआत में या YouTube के ओर से प्रॉब्लम होगा शायद से बट इट्स ऑल फाइन फ्रॉम माई साइड बीस लोग आ गए हैं मैं उम्मीद कर रहा था पचास की बट धीरे 50 पचास के हुए फोर्टी एट फोर्टी एट के हुए फोर्टी फोर्टी के हुए थर्टी फाइव आज कम से कम पचास सीट करने चाहिए हम लोगों ने आज कम से कम पचास सीट करने चाहिए हम लोगों ने गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डीपी भी मिलेगी आपको आज आपको केमिस्ट्री की के डीपी भी मिलेगी ओके okay. और एक बात याद रखना केमिस्ट्री के मार्क्स पोस्ट नहीं होंगे क्योंकि एक्चुअली ना ऑनलाइन में कौन ईमानदारी से टेस्ट देता है कौन ईमानदारी से टेस्ट नहीं देता है ये हमें समझ में नहीं आता है. मतलब हो सकता है कोई टेक्स्ट बुक की मदद ले रहा होगा इसलिए केमिस्ट्री के मार्क्स मैं पोस्ट नहीं करता हूं याद रखना बहुत सारे बच्चे जिनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं बहुत सारे बच्चे जिनको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलते हैं पर फिर भी हम लोग उनके मार्क्स पोस्ट नहीं करते क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिसने बेईमानी की है उसका नाम हाईलाइट हो जाए राइट और आप बोलेंगे सर जिसने ईमानदारी से टेस्ट दिया है उसको तो मिलना चाहिए क्रेडिट ऑब्वियसली उसको क्रेडिट मिलता है क्रेडिट मिलता है उसके पढ़ाई से राइट मतलब याद रखना किसी को दिखाने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है राइट right? अपना ड्रीम पाने के लिए पढ़ने की जरूरत है और ये स्लो एंड स्टेडी वर्क होता है समझे मेरे बच्चों या तो मेरी भावनाएं आप तक पहुंच गई होगी राइट और मैं भावनाओं में बहा नहीं हुआ होगा क्या बोलते उसको ठीक है चलो कोई बात नहीं सुबह शाल बी स्टार्ट गाइस सो लल्ला से लल्ली शाल बी स्टार्ट ट्वेंटी एट ग्रेट शाल वी स्टार्ट ठीक है पचास हो जानी चाहिए आज यस सर यस सर यस सर ठीक है तो कहानी को स्टार्ट करते हैं कहानी में जो सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दैट वाज एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग क्यों सीख रहे हैं यह आपको मैंने समझाया था क्योंकि हमें अगर मैटर को समझना है तो एटम को समझना बहुत जरूरी है और एक बार हम लोग एटम को समझ गए तो बिग बैंग के पहले क्या था ये हम लोग बता सकते हैं हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं हम लोग परपेचुअल मशीन्स बना सकते हैं हम लगभग मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं बट एटम को समझना इतना आसान नहीं है और इस हायर लेवल के नॉलेज के लिए पहले हमको बेसिक सीखना होता है तो सबसे पहले हमने सीखा एटम क्या होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल सेंटर में होता है, में न्यूट्रॉन्स होते हैं आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ये जो फंडामेंटल मॉडल ऑफ एन एटम है ये एक दिन में नहीं बना है इसको बनने के लिए कई साल लगे तो ये मॉडल कैसे बना है ये हम लोग सीख रहे थे तो सबसे पहले महर्षि कनाद ने बोला था कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल परमाणु है उसके बाद डेमोक्रेटिस ने बोला था स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजल पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम देन जॉन डाल्टन ने बोला था स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर इज स्क्स एटम एटम क्या नाइद नॉट डिस्ट्रॉयड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जॉन डाल्टन के समय तक लोग यही समझ रहे थे कि एटम इज नॉट डिविजिबल तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई हमको सीखना था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई हमको सीखना था तो सबसे पहले हमने सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई थी और जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो गई थी तो लोग सीख रहे थे इलेक्ट्रिसिटी किस किस में से पास होती है पहले उन्होंने सॉलिड्स को चेक किया तो सॉलिड्स में उन्होंने पाया कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर देन उन्होंने लिक्विड्स को चेक किया लिक्विड्स में उन्होंने पाया कि भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है फिर वो गैस को चेक करना चाह रहे थे तो गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है यह हमको सीखना था उससे पहले हमने सीखा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी भी कंपाउंड्स को उसके आयंस में तोड़ना और हमने में याद कैटायन मतलब निगेटिव आयन विल गो टूवर्ड्स एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब सीखा फिर हमने देखा कि गैस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल प्रेशर गैस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी 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 लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज एंड वेरी हाई वोल्टेज और एक्सपेरिमेंट किया था जे जे थॉम्सन ने दैट इज कॉल गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या यहां तक क्लियर है क्या यहां तक क्लियर है हेलो एवरी वन हेलो एवरी वन क्या यहां तक क्लियर है आज मैं आपको प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन खोज के दिखाऊंगा तो लल्लास एंड लल्लीस क्या यहां तक क्लियर है लिखो भाई जल्दी से जल्दी जल्दी लिखो क्लियर है चलो ठीक है जी हां आज एटलीस्ट फिफ्टी हो जाने चाहिए देखते हैं फिर अभी होता क्या बहुत इजी है ओके ग्रेट, ग्रेट 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 देखो फिर अभी हम लोग बात कर रहे हैं जे जे थॉम्स जेजे थॉम्संस एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं जे जे थॉम्संस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा जे जे थॉम्स एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट का ऑफिशियल नाम है कैथोड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखिएगा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखना साइंस को धीरे धीरे सिखाया जाता है जितना इंटरेस्टिंग हो सके उतना इंटरेस्टिंग टीचर बनाने की कोशिश करता है बट एक समय पे साइंस ऐसे जगह पे आ जाता है जहां पे बच्चों को भी साथ देना होता है तो प्लीज मेरे साथ बने रहना मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा बट मेरे साथ बने रहना ठीक है चलो तो हम सीख रहे हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखो क्या सिंपल एक सील्ड ग्लास ट्यूब थी एक सील्ड ग्लास ट्यूब थी राइट यहां पे एक इलेक्ट्रोड लगा था और यहां पे एक इलेक्ट्रोड लगा था राइट ऐसा और ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड थे बैटरी से बैटरी से बोल सकते हैं आप राइट और ऐसे इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड थे ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल था इसलिए निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड राइट ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कॉड एस एनोड और इसके पीछे हमने लगाया था फ्लोरोसेंट मटेरियल, हमने क्या लगाया था फ्लोरोसेंट मटेरियल, क्या लगाया था फ्लोरोसेंट मटेरियल मटेरियल दैट वाज़ जिंक सल्फाइड अंदर हमने गैस भरा था ऐसे गैस हमने भरा था और यहां पे लगाया था वैक्यूम पंप यहां पे लगाया था वैक्यूम पंप राइट अब ध्यान सुनना जे जे थॉमसन ने पाया कि एट वेरी एट वेरी हाई वोल्टेज एट अ वेरी हाई वोल्टेज एंड हाँ लो प्रेशर एंड लो प्रेशर भूलना मत सम लुमिनेशन रेस स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड एंड सेट एनोड एट अ वेरी हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर सम लुमिनेशन रेस स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड एंड सेट एनोड यह हमने सीखा था और जब यह लुमिनेसन रेस जब यह लुमिनेशन रेस कैथोड रेस के पीछे लुमिनेशन रेस इस फ्लोरोसन स्क्रीन पे हिट कर रहे थे तो वहां पर दिख रहा था ग्लो इस फ्लोरसन स्क्रीन पे हिट कर रहे थे वहां पर दिख रहा था ग्लो ध्यान सुना और इस ग्लो के कारण जे जे थॉमसन ने कंक्लूड किया था कि भैया यहां से पार्टिकल्स आ रहे हैं कैथोड्रे से पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो यहां पे हिट कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते तो रिपल्शन होता लेकिन ये रिपल्शन नहीं हो रहा है तो भैया ये पार्टिकल्स आ रहे यहां पे हिट कर रहे हैं इसका मतलब एटम से एटम के अंदर से कुछ तो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकला है और जिसका उन्होंने क्या नाम दिया था इलेक्ट्रॉन नाम दिया था इलेक्ट्रॉन नाम दिया था क्या यहां तक क्लियर है 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 सिंपल लॉजिक है हमने सीखा था फ्लोरोसेंट मटेरियल पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल हिट करेगा तो ग्लो दिखता है यहां पे ये रेस जब हिट कर रहे थे तो ग्लो हो रहा था मतलब ये रेस पार्टिकल से बने अभी ये भी देखना था कि ये पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव है और पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता तो रिपल्शन होता मतलब पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तभी यहां पे पहुंच पा रहे हिट कर पा रहे और जनरली गैस के एटम्स न्यूट्रल होते हैं मतलब गैस के एटम के अंदर से कुछ तो भी निकला होगा जिसपे निगेटिव चार्ज है इसका मतलब एटम इज डिविजिबल उस पार्टिकल का नाम दिया इलेक्ट्रॉन ठीक ठीक है भाई हाँ ठीक है भाई ठीक है भाई फिर देखो फिर अभी ठीक है भाई ठीक है भाई चलो भाई देखो ठीक है भाई अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चों अब ध्यान सुनना अभी मैं आपको बताता हूं ध्यान सुनना अभी मैं आपको बताता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकले होंगे सुनना जनरली एटम होता है ऐसे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है ध्यान से सुनना और यहां पे इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इन दोनों में क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहा है क्योंकि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इसलिए नहीं गिर रहा है मेरे बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर खिंच जाता और गिर जाता बट ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है याद रखना जब इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है तो हो सकता है वो ऑर्बिट के बाहर चला जाए ध्यान से सुनना मेरे बच्चों ये मान लो एक रॉड है देखो ये मान लो एक रॉड है ये रहा रॉड इसको मैंने ऐसे धागा बांधा है और ये रहा इलेक्ट्रॉन मैं इस रॉड को उठा रहा हूं और ऐसे घुमा रहा हूं तो देखो मेरे बच्चों ध्यान सुनना ये इलेक्ट्रॉन रॉड क्या गोल 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 घूम रहा है क्योंकि ये रॉड इसको घुमा रहा है बाय धागा ये रॉड इस इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है बाय धागा तो ध्यान सुनना हम लोग ऐसी कल्पना करते हैं हम लोग ऐसे कल्पना करते हैं कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है जैसे सन जैसे सन बाकी प्लैनेट्स को घुमा रहा है वैसे ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहा है मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर एटम से बाहर निकलना होगा इस इलेक्ट्रॉन को अगर एटम से बाहर निकलना होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा ध्यान सुनना फिर से ध्यान सुनना फिर से ध्यान सुनना आराम से सर फिर से यहां पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैसे बने ये समझाने की कोशिश देखो ध्यान सुनना ये अपना एटम है ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है इस इलेक्ट्रॉन को गोल गोल कौन घुमा रहा है न्यूक्लियस ऐसे माना है ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर क्यों नहीं जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर क्यों नहीं जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा है न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब अगर इन दोनों में मैंने माना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दस है कितना है दस और यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन क्या बोलता हूं इलेक्ट्रॉन चलना मेरे साथ मजे करेंगे चलना मेरे साथ तो जो चलना मेरे साथ है मतलब इलेक्ट्रॉन के और मेरे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दस से ज्यादा होना चाहिए वो दस से ज्यादा होना चाहिए ध्यान सुनना मैं इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं यहां से ऐसे निकल साले निकल साले निकल बे अब ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा डिपेंड करता है हम लोग कितना फोर्स लगा रहे सुनना अगर फोर्स हमारा लगाया हुआ दस से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन फटे से निकल जाएगा ऐसे पुक निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज अगर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दस से कम है अगर हमारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन दस से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं इलेक्ट्रॉन एटम में ही रहेगा यानी सिंपल सी बात है मैं लिखूंगा एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए निकालने के लिए लिए हमें हमें एनर्जी देना पड़ती है पड़ती है ध्यान से सुनना एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है जब तक एनर्जी नहीं देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो देखो ये, लल्लास एंड शोनास एंड बाबूस स्वीटूस एंड स्वीटीज। यहां पे एटम थे केवल एटम थे किसके गैस के केवल एटम थे किसके गैस के जब मैं 100 वोल्ट रख रहा हूं 200 वोल्ट रख रहा हूं थ्री हंड्रेड वोल्ट रख रहा हूं फोर हंड्रेड वोल्ट रख रहा हूं हजार वोल्ट रख रहा हूं दो हजार वोल्ट रख रहा हूं ध्यान से सुनिएगा वो एनर्जी इतनी काफी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे, एटम से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे। लेकिन जैसे ही मैं आठ हजार से दस हजार के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रख रहा हूं तो इतनी एनर्जी हो जा रही है कि एटम्स इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहे टपक 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 एटम्स इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहे टपक टपक टपा टप मतलब ये रहा है देखो ऐसे ध्यान से सुनिए और लल्ला से ललिस एटम्स एट वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है एटम्स इलेक्ट्रॉन को टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप निकाल रही है टपा टप निकाल रही है मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और एटम्स पॉजिटिव 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 जैसे इलेक्ट्रॉन निकले इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और देखो इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं इसके पास बोल रहे मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं और खींचे जा रहे हैं ऐसे दन, दन। और यहां पे आके टकरा रहे इसलिए यहां पे हमको दिख रहा है ग्लो क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं क्या यहां तक क्लियर है क्या यहां तक क्लियर है टपा टप वाला खेल समझ में आया बहुत ईजी है जब हम लोग बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा देते हैं एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वही इलेक्ट्रॉन इधर खींचे आते हैं यस सर यस सर क्या बात है यस सर, क्लियर। आप ध्यान से सुनियो ध्यान सुनना। डोरेमान लोग ध्यान सुनना मैं बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूं दुनिया हिल सकती है आपकी फिर बाद में बोलना मत अरे सर ये कैसे हो गया अरे सर ये कैसे हो गया बाद में बोलना मत ध्यान से सुनना बहुत तगड़ा वाली बात बोलने वाला हूं मैं अभी बहुत तगड़े वाली बात बोलने वाला सुनना सुनो तो सही सुनो ना सुनो ना सुनो ना। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट इसलिए क्योंकि कैथोड से रेज निकल रहे हैं तो ये जो रेस निकल रही थी उन रेस का नाम क्या दे दिया कैथोड रेस तो सिंपल याद रखना रेस वेर एमर्जिंग, एमर्जिंग फ्रॉम फ्रॉम कैथोड रेस फ्रॉम कैथोड रेस सॉरी फ्रॉम कैथोड एंड सो एंड सो एक्सपेरिमेंट ये बात नहीं इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एस इज कॉल्ड एस कैथोड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये बात नहीं है ध्यान सुनना कैथोड से रेज निकल रही है इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये क्लियर है अब ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना ध्यान से सुनना अरे ध्यान से सुनना।, अर सुनना सुनना जे जे थॉमसन ने पहले हाइड्रोजन गैस लगाया और उसने देखा कि एट वेरी हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर सम रेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैथोड एंड एंडिंग एट एनोड कैथोड रेस एनोड के पास जा रही थी मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा था ऑक्सीजन के लिए भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा था नियॉन के लिए भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा था क्लोरीन गैस के लिए भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा था मतलब आप कोई भी गैस क्यों ना लो उन सब के लिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा था मतलब यह बात तो पक्का थी सारे गैस के एटम्स में सारे गैस के एटम्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है सारे गैस के एटम्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है बट जे जे थॉमसन को यह प्रूफ करना था कि सारे गैस के एटम्स में जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो सेम पार्टिकल है हो सकता है हाइड्रोजन में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल अलग काइंड का हो ऑक्सीजन में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल अलग काइंड का हो जेजे थॉमसन ने यह खोज लिया कि एटम से भी छोटा कुछ है और उसको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन भी नाम दे दिया बट मेरे लल्ला से लल्लिस उसको यह प्रूफ करना था उसको यह प्रूफ करना था कि जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल सारे गैसेस में वो सेम पार्टिकल है और ये कैसे किया ये बहुत जबरदस्त चीज है ये बहुत जबरदस्त चीज है क्या ये बात दिल तक पहुंची जय थॉमसन ने ये प्रूव कर दिया सारे एटम्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है बट उसको ये प्रूव करना था कि सारे एटम्स में सेम टाइप का निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं बात दिल तक पहुंची अगर पहुंची होंगी तो कमेंट सेक्शन में दिल लिखना दिल लिखना फाइव फोर थ्री टू वन दिल इमोजी भेज देना कमेंट सेक्शन में दिल का इमोजी भेज देना कमेंट सेक्शन में दिल का इमोजी भेज देना जी कमेंट सेक्शन में दिल दिल ठीक है क्या बात है चलो जो बात है या या क्या बात है काले काले दिल गोरे गोरे दिल ये मेरा भी दिल है राइट अभी जे जे थॉमसन ने कैसे प्रूफ किया ये मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से देखना बताऊं कि नहीं बताऊं सोच रहा हूं बता ही देता हूं देखो ध्यान से सुनना हो माई गॉड स्ट्रॉबेरीज अभी सीखेंगे अपन मॉडिफाइड मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनना उससे पहले कुछ बेसिक्स कुछ बेसिक्स देखो अपन ने ऐसा एक कैथोड ट्यूब ली यहां पे एक इलेक्ट्रोड लगाया और यहां पे भी एक इलेक्ट्रोड लगाया इस बार हम लोग गोल इलेक्ट्रोड लेंगे ऐसे गोल फर्क नहीं पड़ता देखो गोल इलेक्ट्रोड लगाया यहां पे लगाया अपना करंट सोर्स क्या लगाया अपना करंट सोर्स क्या लगाया करंट सोर्स और यहां पे ऐसे वायर कनेक्ट कर दी ध्यान से देखना और इसके अंदर हमने गैस भर दिया इसके अंदर हमने क्या भर दिया गैस को भर दिया इसके अंदर हमने क्या भर दिया गैस को भर दिया अब ध्यान से देखना वेरी हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर कैथोड रेस स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड एंड मूविंग एनोड देखो ऐसे 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 ये कैथोड रेस जा रही है राइट right? तो हम लोगों ने क्या किया ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ना लल्ला से ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ना मेरे बच्चों इसको हमने ऐसा बड़ा कर दिया ऐसे ऐसे देखो मॉडिफाई कर दिया और फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहां पे लगा ली पूरी ध्यान से सुनना फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहां पे लगा ली पूरी मैं आपको पूरी तरह समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि आप बहुत छोटे हो बट फिर भी मैं नाकाम कोशिश कर रहा हूं यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी ये रही अपनी फ्लोरोसेंट स्क्रीन ध्यान सुनना और देखो इसको ऐसे बंद कर दिया ऐसे बंद कर दिया और एक ट्यूब लगा ली और इस ट्यूब में से कैथोड रे की बीम निकल रही है इस ट्यूब में से कैथोड रे की बीम निकल रही है वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज कैथोड रे स्टार्टेड एंड ऐसे मूव कर रहे जिप धड़क जिप धड़क क्योंकि रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते ऐसे जिप धड़क ऐसे जिप धड़क और कैथोड रेस यहां पे हिट कर रही है एंड कैथोड रेस यहां पे हिट कर रही है इस पॉइंट को अपन बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या ध्यान से सुनना बहुत जबरदस्त चीज है समझ में आए ना आप बोलोगे वाओ क्या मजा आया सर लेकिन देखना जरूरी है देखो ध्यान से सुनो अभी जे जे थॉमसन ने क्या किया ये जो कैथोड रेस जाने का डायरेक्शन है ये जो कैथोड रेस जाने का डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और अब भी जस्ट हमने देखा कैथोड रेस किससे बनी है इलेक्ट्रॉन से मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से राइट तो ये मान लो पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है देखो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट ध्यान सुनना ध्यान से सुनना देखो ध्यान सुनना बहुत ईजी है जब करंट पास नहीं हो रहा था सोना बाबूस कैथोड रेस एकदम सीधा जा रहे थे जिप धड़क जिप धड़क जब मैंने कैथोड रेस के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और मैंने करंट को ऑन किया देखो ये पॉजिटिव प्लेट है और देखो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड रेस ऐसे ही इधर डेविएट हो गया जिप धड़क जिप धड़क इस पॉइंट एक्स वाई पे किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में किस में इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड में बात दिल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी मुझे जितना मैं ज्यादा करंट बढ़ा रहा हूं जितना ज्यादा मैं करंट बढ़ा रहा हूं उतना ज्यादा डेविएशन बढ़ रहा है देखो ऐसे जब करंट कम था डेविएशन कम था जब करंट ज्यादा था डेविएशन ज्यादा है जब करंट ज्यादा था और डेविएशन ज्यादा है जब करंट ज्यादा था और डेविएशन ज्यादा है जब करंट ज्यादा था और डेविएशन ज्यादा है जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डेविएट हो रही है कौन कैथोस राइट तो याद रखना डेविएट कितना होगा डिपेंड कर रहा है करंट पे यानी चार्ज पे आपने कितना चार्ज लगाया यहां पर बहुत कॉम्प्लीकेटेड मैथमेटिक्स है बट अपना समझ लो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डेविएशन जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डेविएशन चार्ज कम डेविएशन कम चार्ज ज्यादा डेविएशन ज्यादा कितना चार्ज लगाया उससे कितना चार्ज लगाया उससे हमने रेस पे कितना चार्ज है ये फाइंड कर लिया कितना चार्ज लगाया उससे रेस पे कितना चार्ज है ये हमने फाइंड कर लिया प्लीज पूछना मत बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है सिंपल फील देता हूं देखो मान लो ये प्लस प्लेट है और ये इलेक्ट्रॉन है मान लो इस इसपे ना एक चार्ज है इस पे भी एक चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचे आता है मान लो एक के के से से एक मान लो इधर दो चार्ज है और इधर आपने रखा दो चार्ज तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचे आता है दो के फोर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है सिर्फ ऊपर ऊपर समझा रहा हूं मान लो इधर तीन चार्ज है और इधर तीन चार्ज है तो आपको मालूम है ये कितने से खींचे आएगा तीन से कितने से खींचा आएगा तीन से अब ध्यान सुनना मान लो मैंने इधर रखा पांच चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन खींचे आ रहा है पांच से पांच से तो हम लोग फटाक से बोल सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन पे पांच माइनस चार्ज है मान लो इधर मैंने रखा दस और इलेक्ट्रॉन दस के स्पीड से खींचे आ रहा है तो हम लोग फटाक से बोल सकते हैं कि यह दस च... माइनस चार्ज है ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट था वो तो जितना ज्यादा चार्ज उतना डेविएशन जितना ज्यादा चार्ज उतना डेविएशन तो कितना डेविएशन हो रहा है इसके मदद से हमने क्या निकाल दिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने क्या निकाल दिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने क्या निकाल दिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गॉडिट आगे सुनना बहुत तगड़ी वाली बात है मेरी जान निकल रही है बट इट्स ओके इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया अब इसी के डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को भी लगा दिया इसी के डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को लगा दिया ये साउथ पोल और ये रहा आपका नॉर्थ पोल ध्यान से सुनना एनसीआरटी में डायग्राम गलत दी हुई है जिधर पॉजिटिव पोल है उधर साउथ पोल होना चाहिए और जिधर नेगेटिव पोल है उधर नॉर्थ पोल होना चाहिए अभी के लिए इतना समझ लो बस अब ध्यान सुनना इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया अपना नॉर्थ पोल मतलब समझना चार्ज पोल समझना उल्टा हो गया रुको थोड़ा सा रुको। उल्टा हो गया देखो, ये साउथ पोल होना चाहिए और ये नॉर्थ पोल होना चाहिए ध्यान सुनना अपना साउथ पोल मतलब पॉजिटिवली चार्ज पोल ऐसे समझो एंड अपना नॉर्थ पोल मतलब नेगेटिवली चार्ज पोल थोड़ा देर के लिए समझना आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया है अभी किस को चालू किया है मैग्नेटिक फील्ड को किसको चालू किया है मैग्नेटिक फील्ड को जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था एक्स रे अपने कैथोड रेस जा रही थी पॉइंट एक्स पे कैथोड रेस जा रही थी पॉइंट एक्स पे राइट right? अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया मैंने क्या कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया और जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया देखो साउथ पे पॉजिटिव चार्ज है साउथ पे पॉजिटिव चार्ज है अपनी कैथोडिस इधर आ रही है जिप जिप जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाया जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाया उतना ज्यादा डेविएशन जिप 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 कम मैग्नेटिक फील्ड कम डेविएशन ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डेविएशन जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया डेविएशन इधर जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया डेविएशन इधर जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा दिए डेविएशन नहीं सीधा सीधा बात को समझना बहुत जरूरी है बात को समझना बहुत जरूरी है देखो जब कोई भी फील्ड नहीं था सीधा जिप 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 जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था इधर सीधा जिप 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 जब केवल मैग्नेटिक फील्ड था जिप जिप जिप, जिप राइट ये किसके रूप में है ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में मैग्नेटिक फील्ड राइट ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में और यह किसके रूप में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ध्यान सुनना जब दोनों भी फील्ड लगाए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और सीधा सीधा पॉइंट पे आप ध्यान से सुनना अगर कोई भी चीज मैग्नेट के ओर अट्रैक्ट होनी चाहिए तो उसके पास मास होना चाहिए अगर मैग्नेट अपन हवा देखो हवा अब ध्यान सुनो मान लो जिसके पास मास ही नहीं है तो मैग्नेट के ओर अट्रैक्ट नहीं होगा सिंपल लॉजिक है बहुत कॉम्प्लिकेट मैथमेटिक्स है बट मैं आपको फील देने की कोशिश कर रहा हूं अगर किसी के पास मास ही नहीं है अगर किसी के पास मास ही नहीं है तो मैग्नेट की ओर कैसे अट्रैक्ट होगा राइट अगर मास है तो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है अगर मास है तो मैग्नेट को अट्रैक्ट हो रहा है जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा ऐसे समझो ये गलत है बट ऐसे समझो जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन जितना कम मास रहेगा उतना कम अट्रैक्शन ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए फिर मैं क्लियर करूंगा यानी मैग्नेटिक फील्ड से वी कैन फाइंड मास ऑफ कैथोड्रिस मैग्नेटिक फील्ड से वी कैन फाइंड मास ऑफ कैथोड्रिस थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से निकाला चार्ज ऑन कैथोड्रेस मैग्नेटिक फील्ड के मदद से निकाला मास ऑन कैथोड्रेस तो चार्ज ऑन कैथोड्रेस एंड मास ऑन कैथोड्रेस का उन्होंने रेशियो निकाला एंड दैट वाज 1.7588 पॉइंट सेवन फाइव एट एट इंटू टेन टू द पावर इलेवन चार्ज कुलम्स मेजर होता है कुलम्स मास किलोग्राम में पर किलोग्राम थोड़ी देर के लिए समझना जेजे थॉम्सन ने जो जक मरानी है मरा ली ध्यान सुनना जेजे थॉम्सन को जो वाट लगानी थी लगा दी बट इलेक्ट्रिक फील्ड से एंड मैग्नेटिक फील्ड के मदद से उसने कैथोड रे का क्या निकाला चार्ज टू मास रेशो दैट वाज 1.7588 पॉइंट सेवन फाइव एट एट इंटू टेन टू द पावर इलेवन कुल्स पर किलोग्राम ध्यान सुनना ध्यान सुनना इस नंबर को हम थोड़ी देर के लिए बोलते हैं डम क्या बोलते हैं निकल गया साला ध्यान सुनना ये भाई अगर आप यहां तक पहुंच गए ना सच में मैं समझूंगा मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया क्या बोलेंगे कोलम्स पर किलोग्राम इस नंबर को बोल रहे हैं इस नंबर को डम डम ध्यान सुनना हाइड्रोजन गैस लिया मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने हाइड्रोजन गैस से जो बने कैथोड रेस से उसका चार्ज टू मास रेशो निकाला और वो कितना आया दम, दम कूलम्स पर किलोग्राम हीलियम गैस लिया हीलियम गैस का भी चार्ज टू मास रेशो निकाला वो भी कितना आया दम, दम कूलम्स पर किलोग्राम नियॉन गैस लिया उस गैस से जो कैथोड रेस बनी उसका भी निकाला चार्ज टू मास रेशो और वो कितना आया डम डम कुलम्स पर किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया उस गैस का भी जो कैथोड रेस बन रही है उसका चार्ज टू मास रेशो निकाला कितना आया डम डम कुलम्स पर किलोग्राम यानी लल्लास एन लल्लीस सोनास एन बाबूस स्वीटूस एंड स्वीटिस आप कोई भी गैस लीजिए इस एक्सपेरिमेंट में आप कोई भी गैस लीजिए इस एक्सपेरिमेंट में उन गैस की जो कैथोड्रेस बनेगी उन गैस की कैथोड्रेस उनका चार्ज टू मास रेशियो सेम होता है दैट इज 1.7588 पॉइंट सेवन फाइव एट एट इंटू टेन टू कुलम्स पर किलोग्राम दैट इज डम डम कुलम्स पर किलोग्राम मींस किसी भी गैस का कैथोड रे केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होगा इसलिए सारे गैस के कैथोड रेस का चार्ज टू मास रेशो भी सीम आ रहा है और इस प्रकार जेजे थॉमसन ने बोला यह प्रूफ है कि सारे गैस का कैथोड रेस का चार्ज टू मास रेशियो सेम है मतलब सारे गैस में एक ही प्रकार का पार्टिकल है एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ये बात हुई क्या फील आया क्या फील आया क्या फील आया क्या फील आया कैसे फाइंड किया ये बाहर में जाने दो बस इतना फाइंड इतना याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड से मास फाइंड किया और चार्ज टू मास ने निकाला हाँ फिर से कैसे फील आया अगर आप फील कैसे फाइंड किया ये फाइंड करना है तो यूट्यूब पर सर्च करना चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड्रेस इतना कॉम्प्लीकेटेड मैथमेटिक्स है कि ग्रेजुएशन वाले भी समझ नहीं पाते और ये मेरा आपको वचन है इतना कॉम्प्लीकेटेड ग्रेजुएशन वाले तक नहीं समझ पाते ये मेरा आपको चैलेंज है तो सिर्फ याद रखना बाय मॉडिफाइड ट्यूब एक्सपेरिमेंट जेजे थॉमसन डिटरमाइन चार्ज टू रेशियो एंड दैट वाज 1.7588 पॉइंट सेवन फाइव एट एट इंटू पर किलोग्राम मजा आ गया Got it? और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई आप ध्यान सुनना जेजे थॉमसन ने सिर्फ यह बोला था एटम कंटेंस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बट उसको नाम इलेक्ट्रॉन जेजे थॉमसन ने नहीं दिया था उसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया था एच ए लॉरेंस ने किसने नाम दिया था एच ए लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने उसने एक छोटा सा झूला लिया एच एल ऑरेंज ने झूले में जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है है ना उसको निगेट्रॉन बोलता था जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन क्या बोलता था इसको निगेट्रॉन 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 बोलता था ना उसको झूले में रखा और ऐसे झूला दिया और तीन बार उसके कानों में बोला इलेक्ट्रॉन 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 नेम इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय एच ए लॉरेंस एच ए लॉरेंस मौसी है इलेक्ट्रॉन की ऐसे जो इलेक्ट्रॉन 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 जे थॉमसन उसको क्या बोलता था निगेट्रॉन समझी गये तो इस प्रकार है मेरे बच्चों इस प्रकार है मेरे बच्चों मॉडिफाइड कैथोड रेड ट्यूब एक्सपेरिमेंट में चांस टू मास रेशियो फाइंड कर आ गया ठीक एक्जैक्टली कैसे जू 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 एच एल ऑरेंज इलेक्ट्रॉन ठीक है ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है कल सीखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कल सीखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एनी क्वेश्चंस टू आस्क कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो भूलना नहीं जेजे थॉमसन ने किया मॉडिफाइड कैथोड। आज के पूरे लेक्चर का सारांश जेजे थॉमसन ने किया मॉडिफाइड कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड ही अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर एंड ही डिटरमाइंड चार्ज टू मास दैट वॉज सेम फॉर ऑल गैसेस दैट्स इट ओके सर नो क्वेश्चन सर ठीक है तो मिलते हैं कल कल हम लोग सीखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स प्रो एंड न्यूट्रॉन ठीक है इंटरेस्टिंग लेक्चर सर ऑसम थैंक्स मेरे बच्चा आपके काइंड वर्ड्स मैटर्स लॉट फॉर अस ठीक है चलो फिर बाय टेक केयर ऑल एस डीपीपी मिलेगी आपको